नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में जिले के पालक मंत्री नितिन राउत ने दीक्षा भूमि पर जाकर बाबा साहब को किया अभिवादन। पिछले कई दिनों से नागपुर की बंद एसटी महामंडल महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य पर शुरू, नागपुर से सावनेर की ओर 2 बस हुई रवाना। और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे को दिया जाए भारत रत्न, विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया की मांग। छह दिसंबर के दिन भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके महापरिनिर्वाण दिन पर नागपुर के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत की ओर से दीक्षा भूमि पर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को आदरांजलि दी गई। उस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा भी की। दीक्षा भूमि पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को आदरांजलि देने आए डॉक्टर नितिन राउत, इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के योगदानों के बारे में पत्रकारों को बताया। डॉक्टर नितिन राउत के साथ राज्य के पशु संवर्धन मंत्री और दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार, आमदार विकास ठाकरे और पूर्व मंत्री राजेंद्र मूलक, इन्होंने भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को विनम्र अभिवादन किया। विश्व रत्न भारतीय संविधान के शिल्पकार परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर यांचा आज महापरिनिर्वाण दिवस, या निमित्तानं आज या ठिकाणी मी जिल्ह्याचा पालकमंत्री या नात्यानं आणि आदरणीय पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री नामदार श्री सुनील केदार साहेब यांच्यासहित आमदार विकास ठाकरे, माजी मंत्री राजेंद्र मुळक यांच्यासह मी या ठिकाणी या महान विभूतींना व्यक्तिमत्वाला आदरांजली वाहायला या ठिकाणी आलेलो आहे। परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला केवळ लोकशाहीच दिलेली नाही तर एक असा स्वाभिमान मिळवून दिलेला आहे की तो गरिबातला गरीब असो किंवा श्रीमंतातला श्रीमंत असो, त्याला डोकं वर काढून जगण्याचा अधिकार जर कुणी मिळवून दिला असेल तर ते परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी होय। आज जरी आपण भारतीय राज्यघटनेविषयी विचार जर केला तर भारताच्या अवतीभवती जितके देश आहेत त्या देशातील लोकतंत्र जवळपास संपलेलं आहे, परंतु या देशाचं लोकतंत्र आणि लोकशाही आजही अबाधित आहे। अशा महान व्यक्तिमत्वाला आज या ठिकाणी आम्ही अभिवादन करतो। पिछले कुछ दिनों से एसटी कर्मचारियों का आंदोलन जारी है, जिसके चलते वाहतूक पूरी तरह बंद है, लेकिन 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण के दिन एसटी वाहतूक की शुरुआत की गई, जिसके चलते एसटी नागपुर आगार से सावनेर की ओर 2 बसों को रवाना किया गया। एसटी महामंडल के विभाग नियंत्रक नीलेश बेलसरे ने कहा कि आने वाले दिनों में वाहतूक पूरी तरह से शुरू की जाएगी। परिवहन मंत्री ने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करके भी कुछ कर्मचारी हड़ताल पर है, लेकिन फिर भी वाहनों की आवाजाही जल्द से जल्द शुरू की जाएगी, ऐसी जानकारी भी नीलेश बेलसरे ने दी। सर्व प्रवाशांना मी माहिती देऊ इच्छितो की मागील काही दिवसापासून एसटी महामंडळाचा संप सुरू होता, त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये बऱ्याच ठिकाणी वाहतूक पूर्णतः बंद होती। नागपूर जिल्ह्याची पण वाहतूक 8 तारखेपासून आजपर्यंत बंद होती, परंतु आज दिनांक 6/12/2021 डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन या दिनानिमित्त आजपासून आपली वाहतूक सुरू झालेली आहे। आता तुम्ही बघताय की अवघ्या 10 मिनिटा अगोदर 2 बसेस सावनेरकरता रवाना झालेले आहेत। काही कर्मचारी या संपापासून परावृत्त होऊ इच्छितात आणि निश्चितच ते आता लगेच कामगिरीवर येण्याची दाट शक्यता आहे आणि येणाऱ्या आता दिवसांमध्ये एसटी महामंडळाची वाहतूक पूर्णपणे सुरू होईल, यामध्ये कुठलीही शंका नाही। त्यामुळं प्रवाशांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे, महामंडळाची नागपूर विभागाची सेवा त्यांच्यासाठी आता उपलब्ध होणार आहे। साधारणतः अजूनही काही कर्मचारी बंधू हे महाराष्ट्र शासनामध्ये एसटी महामंडळ विलीन झालं पाहिजे या मागणीसाठी ठाम आहे, परंतु सदरचा निर्णय शासन अधीन असल्यामुळं त्याला वेळ लागणार आहे आणि आदरणीय परिवहन मंत्री यांनी सुद्धा कर्मचाऱ्यांना भरघोस अशी पगारवाढ दिलेली आहे आणि त्यांनी आवाहन पण केलेलं आहे की सर्व
कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कामगिरीवर रुजू व्हावं, त्या अनुषंगाने त्यांनी रुजू होऊन महामंडळामध्ये रापची जी सेवा आहे ते सुरू ठेवून प्रवाशांची जी गैरसोय होते ती टाळावी ही विनंती। बाबरी मस्जिद को गिराने में चार लोगों का बड़ा योगदान रहा, जिनमें सबसे पहले बाला साहेब ठाकरे थे। ये जिन चार लोगों की वजह से मुमकिन हुआ उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए, और जब तक इन हस्तियों को भारत रत्न नहीं दिया जाएगा तब तक राम मंदिर आंदोलन को सम्मान नहीं मिल पाएगा, ऐसा कहना है विश्व हिंदू परिषद के पूर्वाध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का, जो नागपुर के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। दूसरा अशोक सिंगल थे, तीसरा योगी आदित्यनाथ के गुरु गोरख पीठाधीश्वर महंत अवेदनाथ जी, और चौथे अयोध्या के रामचंद्र परमहंस गोरख पीठाधीश्वर अवेदनाथ जी, अयोध्या के रामचंद्र परमहंस अशोक जी बाला साहेब ठाकरे, चारों से मेरा अनन्य नाता, और चारों को जब तक भारत रत्न नहीं मिलता है तब तक मैं कहूंगा कि भारत सरकार ने राम मंदिर आंदोलन का सम्मान नहीं किया है। चारों को भारत रत्न घोषित करो, और राम मंदिर के कारण सत्ता में आए हैं वह ऋण मुक्ति सत्ता में आए लोग प्राप्त करें। एसटी महामंडल के राज्य सरकार विलीनीकरण और कई मांगों को लेकर पिछले कुछ दिनों से आंदोलन जारी है। इस आंदोलन की वजह से अन्य कर्मचारियों को काम पर जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा आरोप कर गणेशपेट पुलिस ने गणेशपेट आगार और घाट रोड आगार के कर्मचारियों को पेंडोल जल्द से जल्द खाली करने के निर्देश दिए। राज्य भर में एसटी महामंडल पिछले एक महीने से अपनी मांगों के चलते आंदोलन पर बैठे हैं। नागपुर के सभी आगार के कर्मचारियों का भी इस आंदोलन को समर्थन है। वहीं गणेशपेट और घाट रोड आगार के नजदीक आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर बैठे हैं। उसी दौरान गणेशपेट पुलिस ने उन्हें पेंडोल खाली करने के निर्देश दिए और आंदोलन 1 किलोमीटर के अंतराल पर करे ऐसा आदेश दिया। गणेशपेट पुलिस का आरोप है कि इच्छुक कर्मचारी आंदोलन की वजह से काम पर नहीं जा पा रहे हैं, बल्कि आंदोलनकारियों का कहना है कि हमने किसी भी आंदोलनकारी को काम पे जाने के लिए रोक नहीं लगाई है, जिन्हें जाना है वो जा सकते है। गणेशपेट बसताना गणेशपेट पुलिस स्टेशन मधले पीआई साहेब आलेले होते, श्री सागर साहेब यांनी सर्व कर्मचाऱ्यांना एकत्र करून त्यांना जे आदेश आलेले आहे त्या आदेशाप्रमाणे त्यांनी आम्हाला माहिती दिली की 1 तासाच्या आत तुम्ही या ठिकाणी जे संप करत आहे तो संप तुम्ही या ठिकाणी करू शकत नाही, कारण की जे व्यक्ती कामगिरीवर जाण्यास इच्छुक आहे त्यांना त्याच्याप्रती अडचण निर्माण होत आहे, त्यामुळे तुम्ही इथून 500 मीटरच्या नंतर 1 किलोमीटरच्या आत तुम्ही कुठेही जागा द्या, आम्ही तुम्हाला परमिशन देऊ, परंतु आम्ही या आधी इथे बसताना संप करताना या ठिकाणी बसताना आम्ही त्यांची परमिशन आधी मागितलेली होती, तेव्हा त्यांनी परमिशन दिलेली होती, आणि याच प्रकारे मुंबई उच्च न्यायालयातून सुद्धा आम्हाला या ठिकाणी बसण्याची परमिशन दिलेली आहे। तरी सुद्धा कुठेतरी प्रशासन आळमुटपणा करून आम्हाला आमचा संप मिटवण्याचा प्रयत्न करत आहे, आणि आम्ही संपकरी जे कर्मचारी आहोत आम्हाला कोणत्याही पद्धतीने तुम्ही कोणत्याही प्रकारची कारवाई करून आमचा संप तुम्ही फोडू शकत नाही, आणि आमची जी मागणी आहे शासनात विलीनीकरणाची त्यावर आम्ही आज पण ठाम आहोत, उद्या पण ठाम राहू, आम्हाला इथून 1 किलोमीटर नाही तुम्ही पाकिस्तानला जरी पाठवलं तरी आमची विलीनीकरणाची मागणी ती ठाम राहील। इच्छुक कर्मचाऱ्यांना या आंदोलनकर्त्यांमुळे कामावर रुजू होता येत नाही असं पोलिसांतर्फे आंदोलनकर्त्यांवर आरोप करण्यात आला आहे, तर आम्ही कोणालाही आंदोलन करण्याची जबरदस्ती केली नसून ज्यांना कामावर रुजू व्हायचे आहे त्यांनी खुशाल व्हावे असं आंदोलनकर्त्यांचं म्हणणं आहे। ह्या आगारात चालक म्हणून कार्यरत आहे। आज आम्ही मागील गेल्या 1 महिन्यापासून संपावर म्हणा किंवा दुखोटं म्हणा तर इथं आमच्या घाट रोड डेपोच्या आगाराच्या समोर बसलो आहे। नंतर आता 1 महिना झाल्यानंतर पण आम्ही जी आमची मागणी होती विलीनीकरणची मागणी आमची पूर्ण नाही झाली तरी आम्ही इथं बसलो आहे संपावर। मग आज थोड्या वेळ अगोदर पोलीस डिपार्टमेंटचे काही अधिकारी काही शिपाई ते आले आणि आम्हाला म्हणाले का तुम्ही आता आमचं म्हणजे तुमचं जे पंडाल वगैरे आहे इथं तुम्ही जे दुखोटं चालू आहे तुमचं ते इथून तुम्ही काढा, आणि डेपोच्या 1 किलोमीटर च्या दरम्यानात बाहेर ते तिथं तुम्ही करू शकता बाहेर। तर आमचं म्हणणं हेच आहे का
पोलीस अधिकारी जे आले होते आमच्याकडं, तर त्यांच्याकडून आम्हाला काही लिखित सूचना किंवा काही एस्टिमेट आम्हाला काही भेटला नाही। आमचं म्हणणं हेच आहे का तुम्ही त्यांना म्हटलं का 3 वाजतापर्यंत तुम्ही खाली करा, ते 3 वाजता आता इथे आले, तर 3 वाजता म्हणजे आता 3 वाजता इथं वाजले आहे, तर आम्ही केव्हापर्यंत खाली करणार आहे। दुसरी गोष्ट, आम्ही इथं शांतपणानं आमचं दुखवटा मान करत आहोत, त्यानंतर कुणाल आमच्याकडून ड्रायव्हर चालक म्हणा किंवा वाहक म्हणा किंवा यांत्रिक म्हणा कुठलाही कर्मचारी आमच्याकडून इथं कोणी जे ड्युटीवर जाण्यास तयार आहे, कोणी चालक असो यांत्रिक असो वाहक असो, आमच्याकडून कोणालाही काही त्रास नाही आहे। ज्याला जायचं असेल तो जाऊ शकते, बाकी जो दुखवड्यामध्ये बसला आहे तो बसू शकते। आज 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में आम्बेडकर अनुयायियों ने नागपुर के दीक्षाभूमि और संविधान चौक स्थित बाबा साहब के पुतले पर माल्यार्पण करके अभिवादन किया और बुद्ध वंदना करके बाबा साहब को आदरांजलि दी। सर्वप्रथम तर मी विदर्भ की बात वाल्यांचे फार आभारी आहे की त्यांनी मला हा मौका दिलेला आहे। आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची पुण्यतिथी आहे। 1956 साली बाबासाहेब आम्हाला सर्वांना इथून सोडून गेले, परंतु या देशाला त्यांनी एवढा मोठा ग्रंथ दिलेला आहे ज्याचं नाव आहे भारतीय संविधान। आज राज्यघटनेमध्ये चाहे तो मुख्यमंत्री असो की पंतप्रधान असो की राष्ट्रपती असो, त्या घटनेच्या शिवाय शपथ घेतल्याशिवाय तो या देशाचा नागरिकही होऊ शकत नाही। तर आज चैत्यभूमी आणि नागपूरमध्ये जो बाबासाहेबांना आदरांजली वाहायला आलेले आहेत लोक, याच्यावरून आपल्याला कळते की बाबासाहेबांना समजणारे आणि बाबासाहेबांनी जाण ठेवणारे हे दलित जनता कशी बाबासाहेबांची पायिक आहे। म्हणून फक्त दुःख एकाच गोष्टीचं आहे की जरी भारतीय संविधान एका दलिताने बनवलं, एक बाबासाहेब आंबेडकरांनी बनवलं, परंतु आज उच्च न्यायालय आणि खंडपीठा उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये बोटावर मोजण्यालायक आपले न्यायमूर्ती आहेत। मी आपल्या माध्यमांच्याद्वारे एक विनंती करतो आणि एक आपल्याला आवाहन करतो की जास्तीत जास्त आपल्या माध्यमातून राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांना ही बातमी गेली पाहिजे की आमच्या अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लोकांना त्यांनी न्यायपालिकेमध्ये घ्यायला पाहिजे, तेव्हाच आजच्या दिवसाचं आम्हाला औचित्य माहीत पडेल। एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द पूर्ण करतो। जय भीम। 65वें महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में यहाँ बाबा साहब को नमन करने के लिए सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग की ओर से मैं डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड़, मेरे साथ में बाबा साहब देशमुख जो असिस्टेंट कमिश्नर नागपुर में है, हमारे जिला समाज कल्याण अधिकारी भोयर साहब भी है, और इन सभी के द्वारा हम यहाँ अभिवादन करने आए हैं। बाबा साहब ने जो जहाँ जहाँ बाबा साहब का पैर गया है, जहाँ जहाँ बाबा साहब ने संघर्ष की नींव रखी है, उन सभी जगहों पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सामाजिक न्याय मंत्रालय की ओर से आज सभी जगह बाबा साहब को अभिवादन करने के कार्यक्रम हो रहे हैं। और एक संकल्प भी सामाजिक न्याय विभाग ने किया है कि बाबा साहब के इस महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में जो जो बच्चे जो स्कॉलरशिप पहले से लेते हैं उन सभी को कास्ट सर्टिफिकेट का आज से वितरण का शुभारंभ सामाजिक न्याय विभाग ने इस तरह से अभिवादन करके किया। जिस तरह से बाबा साहब ने समाज के हर दबे कुचले वर्ग के लिए और जो आखिरी इंसान था उसके हक के लिए जो संघर्ष किया है, जो चाहे शिक्षा हो, सामाजिक बराबरी का हो, बंधुभाव का हो, समानता का हो, उस संघर्ष को बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से सभी लोगों की तरफ पहुंचाया है। उस बाबा साहब ने जो विचार रखा है समतावादी विचार, उस समतावादी विचार को मानवतावादी विचार को हर आदमी तक पहुंचाने का कार्य सामाजिक न्याय विभाग करता है। और जो बाबा साहब ने जो रास्ता समानता का बताया है, भाईचारे का बताया है, उस रास्ते पर चलकर जो अपने दिल दिमाग में समतामूलक समाज का निर्माण करने के लिए आगे आया है, उस बाबा साहब को विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम सामाजिक न्याय विभाग कर रहा है। और मेरी विनती है आज इस महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में जो बाबा साहब ने रास्ता हमें दिखाया है, इंसानियत का रास्ता जो दिखाया है, भाईचारे का रास्ता दिखाया है, उस रास्ते को हम चलकर
बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य हमें सबने करना चाहिए, यही मेरा संदेश है। धन्यवाद। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka का बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में मुंबई स्थित चैत्य भूमि पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इन्हें अभिवादन करने हजारों की तादाद में अनुयायियों की मौजूदगी रही। उस दौरान पुलिस बल तैनात होने के बावजूद भी वहां भीड़ और अफरा तफरी मच गई और दो गुटों में लड़ाई भी हुई। बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए सभी को एक साथ अंदर छोड़े जाने से उस दौरान वहां भीड़ बढ़ गई और अफरा तफरी की स्थिति बनके दो गुटों में लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन कुछ ही समय में स्थिति पर काबू पाया गया। वर्धा के बंजारी चौक स्थित अहिल्याबाई होलकर सभागृह में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष बबनराव तायवाड़े की प्रमुख उपस्थिति रही। हमेशा से सामाजिक कार्य को बढ़ावा देने वाले और ओबीसी जनजागृति संगठन के संस्थापक अजय भिंडे इनके नेतृत्व में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ सभा का आयोजन किया गया था। उस दौरान प्रमुख अतिथि के तौर पर आए बबनराव तायवाड़े ने ओबीसी के अनेक मुद्दों को लेकर मार्गदर्शन किया और राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ वर्धा जिला अध्यक्ष के तौर पर संजय शिंदे की नियुक्ति कर उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया। केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने कोणत्या कोणत्या सोयी व सवलती द्यायला पाहिजे आणि जे देत नाही याविषयी विचारमंथन करून या वर्धा जिल्ह्यामध्ये एक संघटनात्मक बांधणी करण्याकरता आजच्या या सभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं। त्या सभेला आमचे नवनिर्वाचित जिल्हाध्यक्ष श्री सुनील शिंदे, आमचे राज्य उपाध्यक्ष राजू जाधव, आमचे अविनाजी देशमुख आणि इतरही मंडळी या ठिकाणी उपस्थित होती आणि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची सविस्तर भूमिका त्यांच्यासमोर विशद करून आज आम्हाला ही प्रमुख मागणी आमची आहे की देशामध्ये ओबीसींची जात निहाय जनगणना झाली पाहिजे, केंद्रामध्ये ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना झाली पाहिजे, राज्यामध्ये आणि देशामध्ये प्रत्येक जिल्हा स्तरावर आणि तहसील स्तरावर मुख्य ओबीसी विद्यार्थ्यांचे सरकारने सुरू करावेत, या विद्यार्थ्यांना हॉस्टेलमध्ये प्रवेश मिळत नाही त्यांच्याकरता स्कॉलरशिप किंवा ज्याला आपण निर्वाह भत्ता म्हणतो ती योजना सुरू करण्यात यावी, केंद्र सरकारने 100% स्कॉलरशिप द्यावी, ही आमच्या ओबीसींवरती नॉन क्रिमिनलची असंविधानिक अट लागलेली आहे, ती केंद्र सरकारने रद्द करावी, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले यांना भारतरत्न बहाल करण्यात यावा, महाराष्ट्र सरकारने आमच्या पोरांना सुद्धा 100% स्कॉलरशिप लागू करावी, महाज्योतीला 1000 कोटीची तरतूद करावी, ती आणखी पॉवरफुल करावी, अशा प्रकारे विविध मागण्यांच्या संदर्भात या ठिकाणी आमची सविस्तर चर्चा झाली आणि या सर्व मागण्या सरकारकडून पूर्ण करण्याकरता वर्धा जिल्ह्यातील ओबीसी बंधूंनी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाकडून जाण्याचं वचन पत्र दिलं। आपल्याला मंसर रामटेक तुमसर इन महामार्ग के रास्तों पर नाली सह अन्य प्रलंबित कंस्ट्रक्शन जल्द से जल्द पूरे हो, इसलिए पूर्व आमदार मल्लिकार्जुन रेड्डी और पंचायत समिति सदस्य नरेंद्र बंधाते की ओर से उपविभागीय अधिकारी वंदना सवरंग पाते इन्हें निवेदन सौंपा गया।
मंसर रामटेक तुमसर इन महामार्ग पर रास्ता नाली बांधकाम और अन्य बांधकाम बारब्रिक कंपनी की ओर से किया जा रहा है। इस कार्य को 3 साल होने के बावजूद भी आज तक ये कार्य पूर्ण नहीं हो पाए। कछुए की चाल की तरह जारी रहने वाली इस कार्य की वजह से कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और तो और इस मार्ग पर अनेक काम बाकी है जिसे जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए, ऐसी मांग पूर्व आमदार मल्लिकार्जुन रेड्डी व नरेंद्र बंधाते सह अन्य मान्यवरों ने उपविभागयुक्त अधिकारी वंदना सौरंगपते से की गई। नागपुर के मेडिकल अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए भर्ती हुआ हत्या का आरोपी कैदी पुलिस को चकमा देकर भाग गया। इसकी खबर लगते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। 8 घंटे की खोजबीन के बाद फरार हुआ कैदी रेलवे स्टेशन के कॉटन मार्केट गेट के पास पुलिस के हाथ लगा। आरोपी सक्करदरा ताजबाग निवासी सोनू उर्फ सोहेल उर्फ शोहेब खान बब्बू खान बताया जा रहा है। पिछले साल कोविड संक्रमण के बीच आरोपी सोनू उर्फ शोहेब ने धंतोली थाने के तहत एक की हत्या की थी। उसे गिरफ्तार कर पुलिस ने जांच के बाद नागपुर सेंट्रल जेल में डाल दिया था। 31 जुलाई 2020 से शोएब कारागृह में बंद था। उसे कैंसर होने से उपचार के लिए मेडिकल के वार्ड नंबर 19 में भर्ती किया गया था। रविवार की सुबह 6:30 बजे टॉयलेट के लिए काफी भीड़ होने से शोएब मौका देखकर मेडिकल से फरार हो गया। उसके फरार होने की भनक लगते ही पुलिस में खलबली मच गई। घटना की सूचना सभी पुलिस स्टेशन और अपराध विभाग को दी गई। भागने के बाद शोएब रेलवे स्टेशन के पूरे गेट पर कॉटन मार्केट परिसर में भटक रहा था। दोपहर 3 बजे पुलिस को कुछ भिखारियों के पास शोएब दुबक कर बैठा दिखाई दिया। पुलिस सेल ने आरोपी को पकड़कर वरिष्ठ के सामने उपस्थित किया। उसके खिलाफ अजनी पुलिस में मामला दर्ज किया है। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।